जलंधर वेस्ट पुलिस ने चोरों के खिलाफ शुरू की मुहिम के तहत अलग अलग मामलों में 2 चोरों को काबू किया है और चोरी का सामान भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी लूट व चोरी करने के मामले दर्ज हैं। एसपी वेस्ट रविंदर पाल सिंह संधू ने बताया कि बारगव कैंप के रहने वाले राकेश के घर चोरी की वारदात हुई थी, जिसे हल करते हुए आरोपी कुलदीप दीपा निवासी बारगव कैंप को काबू किया गया। इसे पुलिस ने टीवी, बेड, गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान बरामद किया है। दीपा के एक अन्य साथी राजकुमार राजू अभी फरार है, जिसको काबू करने के लिए छापामारी की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस ने लूट के मामले में नामजद मंजीद निवासी कटड़ा मोहल्ला को भी काबू किया है। इससे पुलिस ने चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया है। मामला है कि ये अपने राकेश कुमार है ने पार्क कैंप एरिया और वो 24 तरीक न 24-10 गए थे पार्क से और 29 तरीक नए जो आके वेख्या जिंदे टुटे पे थे और उन्होंने अंदर देखा चोरी हुई पी सी और उन्होंने फिर 1-11 तला दी सू तो वो कितने बाहर चले गए थे। फिर उन्होंने आके दसिया भी सू कि साढ़े चोरी हो गई है, फोल्डिंग बैड सेगा, टैलीविजन सेगा, अपना गैस सिलेंडर होर खिलोर समान छोटा छोटा जोड़ा वो चोरी करके लै गए थे और बाद SHO भारत कंप जो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और फौरी तौर पर उन्होंने जोड़ा क्लू कोई मिल गया वो बेस से दोषी कुलदीप सिंह हैगा उर्फ दीपा भारत कंप का हैगा इन्हू अरैसट किया और इतों सारा समान भी रिकवर कर लिया, मंजा और टैलीविजन कलर से गैस सिलेंडर वगैरह और सारा समान रिकवर कर लिया है और एक दोषी होर है राजू वो भजया हुआ। जलंधर से अजार टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन विक्की कंबोज के साथ रजत प्रीत सिंह की रिपोर्ट।